नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश जो है वो बज़ाहिर अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और इमरान खान साहब का जो एक खदशा है उससे भी अब काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है कि वो खदशा भी दुरुस्त साबित नहीं हो रहा। हमारे लिए सबसे पहले पॉलिटिक्स से पहले हमारे अपना मुल्क है पाकिस्तान, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर है, हमने जिंदगी यहाँ गुजारना है। हमने कोई सिर्फ अपनी सियासत के लिए हर किसी चीज को दांव पे नहीं लगाना है। असद कैसर साहब, इसमें जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है और जो खबरें अब आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश जो है वो बज़ाहिर अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और इमरान खान साहब का जो एक खदशा है उससे भी अब काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है कि वो खदशा भी दुरुस्त साबित नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन फौरी कितनी जल्दी, कब तक, अगर आप इस पर थोड़ा सा एनालिसिस अपना कर सकें कि पीटीआई कब तक इलेक्शन चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान इज गोइंग टू डिफॉल्ट, खुदा ना खास्ता, लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आपको पता है कि साहब ने डॉक्टर रवि साहब को जो है ना असाइनमेंट दी है, उसमें लगी हुई हैं और हम उससे पूछते रहते हैं, और कुछ हमारे प्राइवेट चैनल में भी आगे पीछे आपस में बात हो जाती है। हमने उसको काफ़ी हद तक जो है ना लचक दिखाई। हमने कहा कि सबसे पहले देखो हमारा एक मुतालबा है फोर इलेक्शन, और फोर इलेक्शन हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा, मुल्क जो है ना डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क की इकॉनमी बहुत बुरी तरह जो है ना मिसहैंडल हो रही है, मतलब मुल्क पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल इस वक्त जो है कैओस है। तो इससे निकल के लिए सिर्फ एक ही हल है कि वो फौरी इलेक्शन हो, और फौरी इलेक्शन हम ये नहीं कहते कि अब हमने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि आप हमें हुकूमत दें, हम कहते हैं कि आप अवाम से मैंडेट लें। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने उसको कहा कि देखिए हम आपके साथ, अगर आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शन के अलावा और भी एजेंडे में चीज़ें हैं, यानी आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, बिल्कुल हम इस पर भी बात कर सकते हैं, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी उस पर भी हम बात कर सकते हैं, दीगर इशू को भी हम बात करना चाहते हैं ताकि एक कौमी कंसेंसस बनाई जाए और उस मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला जाए। हम समझते हैं कि देखिए हम हमारे लिए सबसे पहले पॉलिटिक्स से पहले हमारे लिए अपना मुल्क है पाकिस्तान, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर है, हमने ज़िंदगी यहाँ गुजारना है। हमने कोई सिर्फ अपनी सियासत के लिए हर किसी चीज़ को दांव पे नहीं लगाना है, इसलिए हमने इनके साथ कैटेगरी के लिए कहा है कि हम बात करना चाहते हैं इलेक्शन के ऊपर, आप अगर चाहते हैं कि इलेक्शन में कोई लिकूना है, कोई रिफॉर्म करने हैं, उस पर भी बात हो सकती है। हमने बहुत खुला और टाइम बात में बिल्कुल हमारा यह ख्याल है कि मार्च अप्रैल में जब भी हो तो मेरे ख्याल में वो जो है ना वो सूटेबल टाइम भी है और एक रीजनेबल गुंजाइश बन सकती है। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे, इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, अगर इस हवा से हम डरकर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की, इस हारे आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।